राजगीरा आटा का आलू पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कप राजगीरा का आटा ले लेंगे, 1 टीस्पून घी डालेंगे, 1 टीस्पून साबुत जीरा डाल देंगे, स्वादानुसार सेंधा नमक डालेंगे, कटा हुआ 1-2 हरी मिर्च डालेंगे, कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे, 1 उबला हुआ आलू को मैश करके डालेंगे, इसे अच्छा मैश कर लेंगे या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। आटा को अच्छा मिक्स करेंगे, अच्छा मोयन कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हार्ड आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने में 1/2 कप के करीब पानी लग जाएगा। इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसका एक बड़ा लोई बनाएंगे। चकले पर थोड़ा तेल या घी डालकर लोई को रखकर अच्छा बेल लेंगे। लोई में राजगीरा का सूखा आटा भी लगाकर बेल सकते हैं। बेल लेंगे, तवा गरम करेंगे, उस पर बेले हुए पराठा को डालेंगे। थोड़ा जब यह ऊपर से कलर चेंज कर लेगा, कलर थोड़ा हल्का डार्क हो जाएगा, तब पराठे को उलट देंगे। दूसरे साइड भी अच्छा पका लेंगे। यह थोड़ा चित्तीदार हो जाएगा तब इसे हम उलट देंगे। दोनों साइड अच्छा दबा दबा कर सेक लेंगे। घी या मूंगफली का तेल डाल के अच्छा पका लेंगे। उलट पलट कर अच्छा सेक लेंगे। रेडी हो जाएगा बहुत ही टेस्टी पराठा। इसी तरह से हम और भी पराठा बना लेंगे। इसे आप अगर व्रत के लिए बनाए हैं तो आप इसे दही के साथ, व्रत वाली सब्जी के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं।